चरखारी विकास खंड ग्राम सूपा गौशाला गए थे, वहाँ निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व 4-5 दिन पहले जिलाध्यक्ष हरिओम चौरसिया जी गए थे, जो कि गोरक्षा प्रकोष्ठ के हैं। उन्होंने देखा वहाँ पे कि कम से कम 100 से 110 गौवंश गड्ढे में दफनाने की जगह, मतलब वहाँ रखे हुए, तो मृत हालत में पाए गए। उन्होंने देखा, SDM साहब को सूचना दी, DM साहब को सूचना दी, सचिव साहब को सूचना दी, काफ़ी सारी सूचनाएं पहुंचाई। उन्होंने आश्वासन दिया वहां आकर के इन जौन अधिकारी हैं यहाँ के, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अन्यथा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज जो कि अध्यक्ष जी ने हमको सूचना दी कि वहां चल के देखना है कैसी हालत है, आज हम जब वहां गए तो वहां देखा इतनी बुरी हालत के गौवंश को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, और कीचड़ इतना बुरा मचा पड़ा है कि कीचड़ में गौवंश गपे हुए हैं, जिंदा गौवंश गपे हुए हैं। कुत्ते खींच खींच के ले जाते हैं, गौशाला के अंदर ही खाते हैं उनको। मैं प्रशासन अधिकारी, उच्च से उच्च अधिकारियों से मांग करता हूँ, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ महाराज जी की छवि के पीछे लगे हुए हैं, आने वाले 22 के चुनाव में महाराज जी की सरकार ना बने। मैं महाराज जी से और उनके अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को सख्त सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर उतरेंगे, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।